आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर होता क्या है, और इशू जो डिवेंचर हम करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं और कैसे कैसे इशू करते हैं वो समझेंगे, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, और एंड में करेंगे हम इसके एक इलस्ट्रेशन जिसके साथ सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वेलकम बैक टू tips.com, मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर को, जिसका आज हम टॉपिक कवर करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। चलिए देखते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है। उससे पहले आपको जो मीनिंग है हमने वो ऑलरेडी करवा दिया है लास्ट लेक्चर में, और टाइप्स ऑफ डिवेंचर भी मैंने समझा दिया है। दोनों ही वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे और कमेंट भी पिन कर देंगे। एक कंपनी डिवेंचर इशू कैसे करती है, वो पब्लिक को प्रॉस्पेक्ट इशू कर देती है, लाइक ए शेयर। जैसे शेयर के मार्केट में प्रॉस्पेक्ट इशू होते हैं, पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है कि आप हमारी कंपनी के डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करो, ठीक है, तो आपको जे जे चीज़ें हम देंगे उसमें, इतना इंटरेस्ट देंगे, इतने टर्म के बाद आपके पैसे रीपे कर देंगे या फिर आपके डिवेंचर से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कंपनी शेयर की प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, जैसे भी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग, ओके। मींस जो भी इंटेंडिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो अप्लाई करते हैं कंपनी के, कंपनी को एक डिवेंचर प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जो भी फॉर्म है उसको भरते हैं और फिर वो कंपनी में अप्लाई करते हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी। जितनी भी एप्लीकेशन मनी कंपनी ने चार्ज की है उतनी एप्लीकेशन मनी वो कंपनी में डिपॉजिट करवाते हैं, ओके। इसके अलावा कंपनी जो है हमारी वो लमसम पेमेंट भी कॉल कर सकती है, मीन्स सारे का सारा पैसा ही वो कॉल एक साथ ही ले सकती है डिवेंचर्स में। जैसे हमने शेयर में भी समझा था ना प्रीवियस चैप्टर में, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, वो भी चेक कर लीजिए। और चाहे ही डिवेंचर लमसम में पेमेंट करनी हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी हो, लेकिन जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है, जो भी प्रिस्क्राइब मेथड है, उसी मेथड के जरिए ही डिवेंचर्स को सब्सक्राइब किया जा सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। कितना सब्सक्रिप्शन मिनिमम होना चाहिए एक डिवेंचर्स के इशू को सक्सेसफुली अलॉट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनी 2013, कंपनी को अलाउ करता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड करने के लिए ये सेक्शन, ठीक है, वो कंपनी ही अपने प्रोस्पेक्ट में डिसाइड करेगी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना होगा तभी हम अलॉटमेंट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लॉ में कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन नहीं है, जस्ट यही कंडीशन है कि कंपनी को प्रायर इसको कंसिडर करना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्टस में ही कि इतने की मिनिमम हमें सब्सक्रिप्शन मिलनी ही चाहिए। लेकिन सेबी के द्वारा, सेबी हमारा है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि मिनिमम 75% जितने भी शेयर इशू किए हैं, सॉरी डिवेंचर इशू किए हैं, उनका सब्सक्राइब होना मैंडेटरी है, 75%, ठीक है। मिनिमम 75% एप्लीकेशन अगर रिसीव करती है कंपनी तभी वो डिवेंचर अलॉट कर सकती है, नहीं तो अलॉटमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जितनी कम एप्लीकेशन आए उनके सभी के पैसे रिफंड करने पड़ेंगे कंपनी को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास कि डिवेंचर हम किस किस आइटम के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, आइटम कह लो, कैश कह लो, या कुछ भी, कैसे कैसे इशू हम कर सकते हैं अपने डिवेंचर्स। ये हमारे तीन तरीके होते हैं। पहला है फॉर कैश, मीन्स कंपनी ने कैश लिया पब्लिक से और डिवेंचर इशू कर दिए, ओके। दूसरा वे है हमारे पास फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मीन्स कैश नहीं लिया और कोई एसेट ले लिया, कोई बिजनेस खरीद लिया या फिर कुछ कोई एसेट खरीद लिया, कोई बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीन, कुछ भी खरीदा, उसके अगेंस्ट डिवेंचर इशू कर दिए। और लास्ट है हमारे पास एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी दी हुई है कहीं पे, हमने उसके लिए हमने अपने डिवेंचर्स इशू कर दिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ओके। और इसके बाद डिवेंचर कैसे इशू हो सकते हैं
वो तो तीन कंडीशंस है हमारे पास। सबसे पहले एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट। ठीक है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पर। ओके, इसके बाद है हमारे पास पेमेंट वे। पेमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, लमसम पे भी हो सकता है और इन इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट हो सकती है। ठीक है, एक पूरा चार्ट बना के देख लेते हैं, आपकी बुक में दिया भी हुआ है। देखिए, डिवेंचर में भी इशूड थ्री तरीके से हो सकते हैं। पहले फॉर कैश, दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और लास्ट हमारे पास एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कैश के आगे भी तीन आ जाएंगे हमारे, एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट। उसके अंदर पेबल इन आ जाएगा लमसम और इंस्टॉलमेंट। सेम वे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी आ जाएगा एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट, और उसके अंदर पेबल आ जाएगा लमसम और इंस्टॉलमेंट। कलेक्टर सिक्योरिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा, वहां पर हमें पेमेंट वगैरह तो कुछ मिलने वाले नहीं है। ओके, तो आज हम कवर करेंगे इश्यूड ऑफ डिवेंचर फॉर कैश एट पार, पेबल इन लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ओनली जे पोर्शन हम कवर करने वाला है। देखिए, जब मैं लाइन लगा दी, जे पोर्शन कवर करने वाला है, आज यही कर पाएंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके जो प्रीमियम और डिस्काउंट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर, अपकमिंग जो भी आ रहे हैं उसमें चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश क्या होता है, कि जब भी हम डिवेंचर्स इशू करते हैं पब्लिक में, उसके अगेंस्ट हम पब्लिक से कैश लेते हैं। ठीक है, कैश का क्या मतलब है, पैसा लेते हैं। वो बैंक में आ सकता है, बैंक में ही आता है वैसे अब प्रेजेंट डेज में। आगे तो चलो कैश भी आ जाता था 10-50-20 साल पहले, अभी तो सारी ये ट्रांजेक्शन बैंक में ही आती हैं, आपने बैंक ही मानना है इसको। ओके, अब कंपनी इसमें जो कैश लेती है वो दो तरीके से ले सकती है, एक तो लमसम और दूसरा इन इंस्टॉलमेंट। जैसे हमने शेयर्स में भी समझा था ना, सेम ही वो ट्रीटमेंट है, कोई फर्क नहीं है। लमसम का मतलब क्या है, जितनी भी नॉमिनल वैल्यू है किसी भी डिवेंचर की, या फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, वो सारी एक साथ ही एप्लीकेशन के साथ ही ले लेते हैं। ठीक है, पूरी इकट्ठी। ओके, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट मेथड है उसमें क्या करते हैं, हम कॉल्स बना देते हैं। पहली एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल, फिर फाइनल कॉल्स। ठीक है, ऐसे कॉल्स बनती रहती हैं। हम जो भी पैसे हैं, जो फेस वैल्यू है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक करके मंगाते हैं। वो बाय मंथली मंगा सकते हैं, 15 डेज बाद, 6 मंथ बाद, जब भी कंपनी को लोड होगी पैसे की, जरूरत होगी पैसे की, तब वो मंगवा लेते हैं। ओके, अब इश्यू एट पार पे करने का क्या मतलब है डिवेंचर्स को, कि जितने की डिवेंचर की फेस वैल्यू है मार्केट में, उतना ही पैसा हम मांग रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज हम नहीं कर रहे हैं। 10 रुपये अगर फेस वैल्यू है, 10 रुपये ही हम मांग रहे हैं। वो हम इकट्ठे भी मांग सकते हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट में मांग सकते हैं। ओके, चलिए अब हम दोनों ही केस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं, वेल डिवेंचर्स अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम, फिर बाद में समझ लेंगे वेन डिवेंचर अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। जब हमें डिवेंचर का अमाउंट लमसम में रिसीव होता है, तो हम तीन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। ठीक है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो ये हमारा बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही लिखना है जहां पर, क्योंकि एक साथ ही हम सारा पैसा ले रहे हैं। ओके, चाहे एप्लीकेशन कम आई हो, चाहे ज्यादा आई हो, चाहे शॉर्ट हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, ये जनरल एंट्री तो रिकॉर्ड होनी ही होनी है। ओके, ये जनरल एंट्री में क्या रिकॉर्ड होगा, जितने भी पैसे आपने रिसीव किए, चाहे एक ही एप्लीकेशन क्यों ना हो, तब भी ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। अगर कोई भी एप्लीकेशन नहीं रिकॉर्ड, कोई भी एप्लीकेशन नहीं रिसीव हुई ना, तब ये जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, तो एक भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, उसकी भी जनरल एंट्री हम जो रिकॉर्ड करेंगे करेंगे। ओके, उसके बाद जो सेकेंड एंट्री हम करेंगे, जिसमें हम अलॉटमेंट करेंगे, तो ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर क्या एंट्री बन जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितनी भी परसेंटेज आपको डिस्क्राइब की हुई है, 9, 10, 11, 12,
5-6 जो भी परसेंटेज है वो वहां पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी बननी है डिवेंचर्स की। ओके, वो परसेंटेज यहाँ पर डैश में आपने फिल करनी है और आप अमाउंट वो ही जहां पर डालोगे जो आपने डिवेंचर अलॉट किए हैं। सपोज आपने 10,000 डिवेंचर इशू किए थे लेकिन आपके पास 12,000 एप्लीकेशन आ गई, तो आपने 10,000 का ही अमाउंट जहां पर डालना है, जो 2,000 बचा है वो यहां पर नहीं डालना है। ओके, अगर आपने कंबाइंड एंट्री डाल रहे हो इसको रिफंड को भी, तो एक और अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे टू बैंक अकाउंट। तो जो भी 2000 एप्लीकेशन जिसको आपने रिजेक्ट किया वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी उतना अमाउंट, ठीक है। डिवेंचर्स अलॉटमेंट एप्लीकेशन अकाउंट में तो सारा अमाउंट चल जाएगा। अगर नहीं एक सेपरेट जर्नल एंट्री लिखना चाहते हो तो फिर आप लिख सकते हो ऑन रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना भी अमाउंट आपने रिफंड किया है। ओके, समझ लग गया, लमसम वाला सिंपल सा है हमारे पास। ऐसे ही हम दूसरे भी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं, व्हेन डिवेंचर्स अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन इन इंस्टॉलमेंट। उसमें जो हमारी पहली जर्नल एंट्री है ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो तो सेम ही आएगी, जस्ट उसमें जो अकाउंट हमने बनाया था डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट उसका नाम चेंज कर देंगे, वो बन जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा जितना भी रिसीव किया है, चाहे कम हो इशूड से चाहे ज्यादा हो। सेकेंड जर्नल एंट्री हमारे पास आ जाएगी ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। जब भी हम डिवेंचर्स की अलॉटमेंट करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास बन जाती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आप क्रेडिट कर सकते हो और या फिर सेपरेट सेपरेट जर्नल एंट्री भी तीनों की लिख सकते हो। अब किस केस में होगा, जिस केस में आपके पास एक्सेस पैसा होगा, आपने प्रोराटा पर डिवेंचर्स इशू की अपने अलॉट किए होंगे। अगर आपने प्रोराटा पर डिवेंचर अलॉट किए तो जो भी अमाउंट एक्सेस आपने एप्लीकेशन मनी का एडजस्ट किया अलॉटमेंट में तो वो अलॉटमेंट में चला जाएगा, और अगर आपने कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट की है तो उनका जो रिफंड का अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन में टोटल आ जाएगा और जितने शेयर आपने इशू किए थे उसकी जो एप्लीकेशन मनी है वो चले जाएगी डिवेंचर अकाउंट में। ओके, इसको सेपरेट सेपरेट लिख दो तब भी कोई इशू नहीं है, जैसे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन तीन बार लिख लो, चाहे एक बार एप्लीकेशन लिखे तीन अकाउंट क्रेडिट कर लो, सेम ही चीज़ है। जैसे आपने ये सारा ही जो जनरल एंट्रीज हैं हमने पहले भी की हुई हैं इशू ऑफ शेयर के टाइम, वहां पर हम लिखते थे इक्विटी शेयर्स अकाउंट, जहां पर हम लिखेंगे डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, या फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट उसमें लिखते थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। जस्ट शेयर्स वर्ड को आपने रिप्लेस करना है डिवेंचर के साथ, जनरल एंट्री सारी की सारी सेम है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ओके, सो चलिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ऑन द अलॉटमेंट मनी बीइंग कॉल्ड। वो कैसे होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, वो कितनी भी हो सकती है परसेंटेज, ठीक है। पूरी कॉल ड्यू करनी है जितने भी हमने डिवेंचर अलॉट किए थे, मल्टीप्लाई करना है बाय अलॉटमेंट मनी, तो ये हमारे टोटल निकल के आ जाएगी कॉल मनी, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जब हमें पैसा मिल जाएगा अलॉटमेंट का, तो वो आ जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना भी पैसा आपके पास आया है वो यहाँ पर सारा आप लिख सकते हो, कम भी आ सकता है ज़्यादा भी आ सकता है, ज़्यादा आएगा इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस और कम आएगा इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर। सेम वे ऐसे ही आगे हम ड्यू करेंगे अपनी फर्स्ट कॉल, तो उसको लिखते हैं ऑन कॉल मनी बीइंग कॉल्ड, फिर आ जाएगा डिवेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। जितनी भी कॉल आपने कॉल की है वो जहां पर आ जाएगी, फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, जो भी आएगा वो ऐसे ही ये जनरेटरी चलती जाएंगी। ओके, और इसकी जो एंट्री हम लिख देंगे जो आगे रिसिप्ट वाली, वो आ जाएगी ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल्स अकाउंट, ठीक है। वो फर्स्ट कॉल अकाउंट भी हो सकता है, सेकंड कॉल अकाउंट भी हो सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी हो सकता है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी अकाउंट भी हो सकता है। जो भी अमाउंट रिसीव हुआ वो यहाँ पर हम डाल देंगे, अगर कॉल इन एरिया है तो वो भी डाल देंगे। ओके,
चलिए फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टी एस गरेवाल की बुक में से। दो करनी पड़ेगी, एक तो हम कर लेंगे लमसम वाली और दूसरी हम कर लेंगे इंस्टॉलमेंट वाली, ठीक है। तो चलिए पहली पढ़ते हैं। अप्सी कंपनी लिमिटेड इशू 20,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार पेबल्स ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2019। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 20,000 डिवेंचर्स, डिवेंचर वर अलॉटेड ऑन 5 अप्रैल 2019 फॉर सच जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो सिंपल सी दो जन एंट्री रिकॉर्ड करनी है। लिखिए जर्नल ऑफ एप्सी कंपनी लिमिटेड, जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। 2019 में पहली जन एंट्री आ जाएगी हमारे पास अप्रैल 1 की। जितनी भी एप्लीकेशन हमने रिसीव की है टोटल की टोटल रिसीव कर लेंगे। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, जो निकल गया अमाउंट हमारे पास 20 लाख 20 लाख। ओके, निरेशन आ जाएगी बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 9% डिवेंचर एट 100 ईच। सेम वे नेक्स्ट जो एंट्री भी इजी आ जाएगी क्योंकि फुली मेट है, ऐसा तो कोई है नहीं कॉल जनरेट वगैरह। तो सिंपल सी जो एंट्री है वो भी लिख लेते हैं अप्रैल 5 की। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, कितना अमाउंट सेम ही 20 लाख 20 लाख। निरेशन आ जाएगी बीइंग द अलॉटमेंट ऑफ 20,000 9% डिवेंचर 6 ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार। ओके, सो ये हमारा एट पार वाला जहाँ पर लमसम पेमेंट मेथड कवर हो चुका है, ऐसे ही एट पार वाला हम इंस्टॉलमेंट मेथड की भी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं फटाफट से। हैमर लिमिटेड इशू 4,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल 20% ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल्स आफ्टर 5 ईयर्स। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर द इशू डिवेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द ऑल एप्लीकेंट्स। अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। पास द सर्च जनरल एंट्रीज प्रिपेयर बैलेंस शीट। सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, दो ही कॉल है, पहली एप्लीकेशन दूसरी अलॉटमेंट, चार जनरेटरी डालेंगे और काम खत्म। तो लिखिए जर्नल्स ऑफ हैमर लिमिटेड, पूरा जर्नल का फॉर्मेट ड्रा कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहली हमारी जर्नल एंट्री आ जाएगी जिसमें हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है, वो पूरी पूरी फुल एप्लीकेशन की रिसीव की है। तो कितना है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिख दीजिए और लिखिए 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो अमाउंट आ गया 80,000 80,000। इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4,000 10% डिवेंचर्स एट 10 पर डिवेंचर। चलिए पेमेंट की एंट्री के बाद अब हम अलॉटमेंट कर देते हैं डिवेंचर्स की। तो जो वो एंट्री बनेगी क्या, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। हमें क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है तो 10% ही हम क्रिएट करेंगे। ओके, अमाउंट सेम आ जाएगा 80,000 80,000। नरेशन हमारे पास आ जाएगी बीइंग द अलॉटमेंट ऑफ 4,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब नेक्स्ट जन एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू की, वो बन जाएगी हमारी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना है 100 में से 20 एप्लीकेशन पर है तो बाकी कितने बचे 80 रुपीज, वो सारे के सारे अलॉटमेंट पर ही हमने कॉल किए हैं। ओके, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये निकल के हमारे पास अमाउंट आ गया 3,20,000 3,20,000। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन 4,000 10% डिवेंचर्स ऑन अलॉटमेंट एट द रेट 80 पर डिवेंचर। नेक्स्ट एंड लास्ट जन एंट्री हम ये कॉल रिसीव कर लेंगे और ड्यूली मेट है, कोई भी कॉल जनेरियर नहीं है। तो सिंपल जन एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट सेम आ जाएगा 3,20,000 3,20,000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट। अब देखिए क्वेश्चन में हमें उन्होंने बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को भी बोला है, तो आपको मैं बैलेंस शीट समझा भी देता हूँ कहाँ पर जाएगा बैलेंस शीट में डिवेंचर्स का अमाउंट, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। चलिए फटाफट से बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लीजिए। लिखिए बैलेंस शीट ऑफ हैमर लिमिटेड एज ऑन डैश 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 एक्सट्रैक्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं। ओके, कॉलम 3 बना लीजिए, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का, तीसरा अमाउंट का। सबसे पहला हेड हमारे पास आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज अकाउंट, उसमें अंदर आएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज में। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने पीरियड के लिए हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं
तो आप उसको नॉन करंटी मान लोगे। अगर स्पेसिफाइड किया हुआ है तो आपने अकॉर्डिंगली करना है उसके, ठीक है। ये तो 5 ईयर पे आफ्टर रिडीमेबल है, तो ये अब क्या होंगे, नॉन करंटी होंगे, ठीक है, ज़्यादा समय है। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हेड लिखिए, सब हेड हम क्या लिखेंगे, जो आइटम बोलो उसको, लॉन्ग टर्म बॉर्मिंग्स। नोट नंबर बना दीजिए पहला, और बनाते हैं नोट और प्रिपेयर कर लेते हैं लॉन्ग टर्म बॉर्मिंग में क्या क्या आएगा। नो टू अकाउंट्स में पहला नोट हमारे पास बन गया लॉन्ग टर्म बॉर्मिंग, उसमें आ जाएगा 4,010% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ये टोटल अमाउंट निकल गया 4 लाख, ओके। तो चलिए बैलेंस शीट में भी लिख दीजिए अमाउंट 4 लाख, और बैलेंस शीट का और तो कुछ है नहीं डालने के लिए हमें, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 लाख। और सेकेंड हम बना लेंगे एसेट्स। अब एसेट्स में हमारे पास कहाँ पर पैसे हैं, बैंक में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, कोई एसेट तो आया नहीं फिक्स नेचर का, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया तो वो कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स में। लिखिए हेडिंग एसेट्स, सब हेडिंग करंट एसेट्स, और आइटम आ जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर बन जाएगा हमारा 2। तो दूसरे नोट नंबर में लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक कितना आ गया, 4 लाख रुपीज। अब इसको भी बैलेंस शीट में लिख देंगे एज इट इज, उसके सामने 2 नंबर नोट के सामने कितना आ जाएगा, 4 लाख, और एसेट का टोटल कितना आ गया, 4 लाख। तो बैलेंस शीट हमारी टैली होगी, लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स हो चुका है, ओके, दोनों ही साइड हमारी ओके हैं, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बैलेंस शीट भी समझ लग गई, क्वेश्चन भी सारा समझ लग गया, ओके। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।